अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड। और आज 10वां दिन है हमारे इस ट्रिप का। और बाकी सीन ये है कि आज हम इंशाल्लाह स्कॉटलैंड की जो मेन मेन अट्रैक्शंस हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, वो सारी कवर करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो आज का सफ़र हमारे साथ स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो है वो शावर लेते हैं, तैयार होते हैं और इसके बाद फिर निकलते हैं, आप लोगों को लेके स्कॉटलैंड की सैर कराते हैं। भाई मैं तैयार हो गया हूँ और बस नवीद भाई भी आ गए हैं और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। ठीक है, नाश्ता हम करेंगे। बस ये दो फ्रूट आज जो है वो मैं खाऊंगा, एप्पल, और ये जो है ना मीठे होते हैं, यहाँ पे किनू का वर्जन है लेकिन ये बता रहे हैं कि मीठे होते हैं, तो जरा इसको भी ट्राई कर लेंगे। और ये हमने जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह साथ रखनी है गाड़ी में। बस अब हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। भाई ये देखिए, ये सुबह का मंजर है। आज सनी डे है, जो कि आप लोगों को पता है कि यहाँ के लिए बड़ा अच्छा होता है। सबसे पहले हमने सोचा कि आपको हम ग्लासगो की जो है ना सबसे बड़ी जो मस्जिद है ना वो दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम है तो पता नहीं मस्जिद खुली हो ना खुली हो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग बाहर से देख लेंगे। देखें, अच्छी खासी बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद जो है ना ग्लासगो की यही है। ठीक है, माशाल्लाह। ये देखें रास्ता है, ये पूरी पार्किंग है इसकी, और अंदर चल के देखते हैं ज़रा क्या सिलसिला है। अब हम जो है मस्जिद के अंदर आ गए हैं। माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ा हॉल है माशाल्लाह। और बता रहे हैं कि स्पेशली जुमे की नमाज के अंदर तो यहाँ पे जगह भी नहीं होती और ना पार्किंग में जगह होती है। लेडीज़ का एरिया ऊपर है, ये लेडीज़ का एरिया ना जी, ऊपर लेडीज़ का एरिया और ये ऊपर गुंबद जो बाहर से, हाँ ये जो बाहर से नज़र आ रहा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। वो देखें वो मस्जिद है। ठीक है, अब हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। आपको सारा सिटी सेंटर का जल्दी से हम टूर देते हैं। और ये देखें, ये रिवर क्लाइड है और ये एक बड़ा पुराना सा ब्रिज है। यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है भाई। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के, इसको बड़ा खूबसूरत सा है। ठीक है, सिटी सेंटर भी अब हम जा रहे हैं। सामने सारे होटल्स वगैरह हैं, ये देखें हॉलीडे इन हो गया, सारे सारे होटल वगैरह सामने। तो हम थोड़ा सा वॉक करते हैं अब। स्कॉटलैंड की एक और बड़ी आपको मशहूर चीज़ बताऊं कि यहाँ का जो पानी है वो पूरे यूके में सबसे बेहतरीन है, इवन कि दुनिया में भी एक्सपोर्ट होता है। मतलब कल हम जब रेस्टोरेंट पे गए खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पानी तो मिनरल वाटर नहीं, उन्होंने बोला आप टैप वाटर लिया। यहाँ का टैप वाटर ऐसा है कि आपने नलके से भरा और डायरेक्ट पी लिया। तो ये एक्सपोर्ट भी होता है, इवन कि आपने शायद गल्फ में भी जो रहते हैं उन्होंने भी देखा होगा यहाँ की सुपर मार्केट्स वगैरह में कि स्कॉटिश जो पानी होता है ना उसकी बॉटल्स अलग से सेल हो रही होती। मतलब ये एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना टैप वाटर, इतना अच्छा पानी है यहाँ का। और यहाँ की एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ की सड़कें जो है ना बहुत कुशादा हैं। अभी तक जितने भी यूके के सिटीज़ देखें वहाँ पे इतनी कुशादा सड़कें जो है ना मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा स्पेस है। गलियाँ भी चौड़ी चौड़ी हैं, घरों के अंदर भी स्पेस ज़्यादा है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर जो है ना साइड में पार्किंग में गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं। अभी ये ग्लासगो को भी जो है ना सिटी सेंटर को लो एमिशन जोन बनाने वाले हैं, या ऐसा ऐसा करके एमिशन्स को कंट्रोल करते करते काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर ये चीज़ अप्लाई करने लगे हैं। और अगर आपकी गाड़ी डीजल होगी तो उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। अब ये जो बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये देखें इसके कलर से भी अंदाज़ा होता है कि ये कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी। ये वहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरी काउंसिल बिल्डिंग है, सही है, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये ग्लासगो की काउंसिल बिल्डिंग है। और भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर क्वीन भी आती हैं, और जब वो आती हैं तो ये सारा ओपन कर दिया जाता है। ये देखें हिस्टोरिकल बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग्स एक से एक पुरानी बिल्डिंग आपको मिलेगी, कितने कितने 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। और आज वीकेंड है तो देखें सन्नाटा भी बहुत है। हम सुबह सुबह निकले हैं, ज़्यादा लोग हमें नज़र नहीं आ रहे। जैसे ही काउंसिल बिल्डिंग से हम बाहर निकले ना, ये देखें यहाँ पे एक और बिल्डिंग है और ये स्टार्थ क्लाइट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि तकरीबन अराउंड 250 ईयर्स पुरानी है। ये उस काउंसिल बिल्डिंग का फ्रंट है। ठीक है, और जिस तरह लंदन के अंदर भी इसी तरह सिटी सेंटर है, सेंटर के अंदर जो है ना इनके डिफरेंट मेमोरेबल चीज़ें लगाई हुई होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर जितने भी लोगों की बड़ी इनकी मुल्क के लिए खिदमत रहती है उनके सारे स्टैचूज़ वगैरह सामने लगे हुए हैं। ठीक है, ये जॉर्ज स्क्वायर कहलाता है बेसिकली, और ये बिल्कुल सेंटर है सिटी ऑफ ग्लासगो का। ये देखें यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हुए हैं काफ़ी, और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई क्या हिस्ट्री थी यहाँ पे और क्या हुआ था यहाँ पे, क्यों काफ़ी लोग मरे थे यहाँ पे जब बमबारी वगैरह हुई थी। तो
तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लोग बैठे हुए भी हैं। भाई स्कॉटलैंड के बारे में जो है ना कुछ और चीज़ें भी हमारे नवीद भाई बता रहे हैं जो कि पहले सबसे पहले दुनिया में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, वो क्या चीज़ें बताएं? देखें सबसे पहले तो जो है फुटबॉल का जो पहला मैच है वो यहाँ स्कॉटलैंड में हुआ था। अच्छा। और जो गोल्फ है वो इन्होंने ही इन्वेंट किया है, जो गोल्फ इनका गेम है। सही। और बाद में रहेंगी दूसरी इन्वेंशन तो टेलीविजन जो है वो यहाँ इन्वेंट हुआ है, स्टीम इंजन जो है वो यहाँ इन्वेंट हुआ जो है, पुरानी जो ट्रेन होती है जो, जी जो अच्छा। वो स्टीम इंजन पहले इन्होंने बनाया था, वो वहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ अच्छा। उसका डिफरेंट तरीकों में। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है टेलीफोन भी जो है शायद इन्हीं की इन्वेंशन है। जबरदस्त। तो ये इनकी बड़ी बड़ी इन्वेंशन है कुछ। और यहाँ लोग काफ़ी पढ़ाई को जो है तरजीह देते हैं पढ़ने लिखने में, तो इस चीज़ में भी अच्छी चीज़ है इधर। जबरदस्त। ये देखिए ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, ये मेरी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। ये देखें भाई ये होती है स्कॉटिश गाय, सही है, जिसकी तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा दूसरी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये वाला जो ब्लू वाला जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, ये स्कॉटलैंड का फ्लैग है। और इसके बाद जो येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये येलो वाला जो फ्लैग है ये इनका पुराना फ्लैग है। और जो अभी आप यूके का फ्लैग देखते हैं ना हर जगह पे, वो बेसिकली जो है वो यूनियन जैक कहलाता है। वो तीनों का मतलब जैसे आयरलैंड का और इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का, ये तीनों फ्लैग्स को मिला के जो है ना वो यूके का फ्लैग बनता है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा ये आप जो सामने देख रहे हैं ना, जो बच्चा बजा रहा है इसको बैग पाइपिंग बोलते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जो इसने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ना जैसे स्कर्ट टाइप का, तो हमें तो स्कर्ट टाइप का लग रहा है, लेकिन ये इनका जो है वो नेशनल ड्रेस है और इसको किल्ट बोलते हैं। ये देखे भाई बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पे ऐप स्टोर बना हुआ है यहाँ पे ग्लासगो का। अंदर से फुल मॉडर्न है लेकिन बाहर से जो है वो बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। अंदर से आपको विजिट कराते हैं, ज़रा ये चेक करें आप, ये है यहाँ का ऐप स्टोर। अच्छा कुछ कमेंट्स में ये देख रहा था कि यार आपका जो चैनल है मुस्तफ़ा हनीफ, जिसके ऊपर अब मैंने बेसिकली ब्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिए, इसका हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन फिर मैंने एक दो और दोस्तों के साथ चेक किया, तो इस तरीके का कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने अनसब्सक्राइब किया पहले चैनल को, इसके बाद दोबारा सब्सक्राइब किया और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ओके कर दिया, तो अब उनको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो गए। तो आप भी अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो आप इस तरह कर लीजिएगा, अनसब्सक्राइब करके जो है वो फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। भाई हमारे नवीद भाई जो है ना कह रहे हैं कि अब मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ ना, आर्गाइल आर्केड इस जगह का नाम है, और यहाँ पे अगर आप अपनी वाइफ के साथ आ जाते तो उन्होंने आपको खाली कर देना था, लेकिन वैसे जो है ना हमारी वाइफ बड़ी सीधी सादी हैं और वो खर्चे वर्चे नहीं कराती नवीद भाई, और आप ऐसी बातें नहीं करें वरना कहीं खर्चे ना हो जाएंगे। देखें सामने जो है ना एक रिंग पड़ी हुई है, ये आप चेक कर लें भाई, यहाँ पे ऑफर में लगी हुई है, बहुत अच्छी ऑफर लगी हुई है यहाँ पे, 2.5 लाख पाउंड की जो है ये रिंग है जिसके ऊपर लिखा है मैग्निफिशेंट, ठीक है। और अब जो है 1.5 लाख पाउंड के अंदर मिल रही है, इसका मतलब तकरीबन ये 3 करोड़ और जो है ना 75 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, ये इसकी प्राइस है। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी रिंग लगी हुई है, ये देखें भाई ये सारे असली हैं, ठीक है, लेकिन अब ये एक मूव कर रहा है बाकी सारे मूव नहीं कर रहे हैं, कमाल है भाई इनका। भाई वैसे स्कॉटलैंड है तो यूके का पार्ट, ठीक है, और ये लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अलग अलग इस तरह के कंट्रीज़ आते हैं यूके के अंदर में, उनकी इंग्लिश जो है ना बड़ी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अगर स्कॉटलैंड की इंग्लिश की बात करें ना, तो इनकी इंग्लिश जो है ना इंग्लैंड वालों को जो है ना समझना भी समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो है ना पुरानी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, सही है, इंग्लिश अडॉप्ट की थी इन्होंने, इनकी लैंग्वेज जो स्कॉटिश लोग थे इनकी जो लैंग्वेज थी वो गैलिक हुआ करती थी, बाद में इन्होंने जो है वो इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट किया था, तो इसीलिए इनका एक्सेंट जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में। तो भाई ये था सिटी सेंटर का टूर और इनके कल्चर के बारे में भी थोड़ी आपको नॉलेज दी, और आप लोगों ने मतलब काफ़ी सारी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अच्छा अब हम वापस आ गए पार्किंग की तरफ मस्जिद में, जहाँ पे हमने पार्क की थी, पीछे देख रहे हैं आप ये कम्युनिटी सेंटर इनका, यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स वगैरह भी लोग कराते हैं, शादी वगैरह का भी इवेंट वगैरह यहाँ पे होता रहता है। अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में और हम आपको कुछ और जगहों पर लेके चलते हैं। अब आप देखें कि ये जो सामने आपको क्लॉक टावर नजर आ रहा है ना, ये बहुत पुराना है, और यहाँ पे पहले जो है ना जिसको भी वो सजा मिलती थी ना कि हैंग कर दिया जाए, हैंग टिल डेथ, तो ये यहाँ पे पहले दी जाती थी इस टावर के ऊपर, सही है। और अब जो है इसको एक सिर्फ क्लॉक टावर बना दिया गया है सिटी सेंटर में।
अब देखें यहाँ पे जो हम आपको लेके आए हैं, ये जो घर आपको नजर आ रहा है ये पहाड़ों के पत्थर से बना हुआ घर है और इतना हिस्टोरिकल है कि जब ग्लासगो आबाद हुआ था ना तो ये सबसे पहला घर था जो बना था, ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। और ये यहाँ पे है, अब आप देखें, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि प्रोवेंस लॉर्डशिप इज ओपन टू विजिटर्स ऑन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड सैटरडे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। लेकिन विजिटर्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, फ्री एंट्री है इसकी, लेकिन वो बता रहे हैं कि बंद है आज, बंद है, हाँ कुछ स्टाफ का मसला। ये देखें भाई, ये है घर। अब आप देखें ना, ग्लासगो शहर की कितनी बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, ये देख रहे हैं आप इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ये है सीन, लेकिन यार बंद है, हम आपको दिखा नहीं सकते आज। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए सामने की भी इमारतें जो है वो है तो पुरानी, लेकिन ये सबसे पुराना है। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये घर 1471 में बना था, इसका मतलब तकरीबन 551 साल हो गए हैं इस घर की कंस्ट्रक्शन को, 550 साल पुराना घर है भाई है। अच्छा, ये जो ग्लासगो का कैथीड्रल है ना, कैथीड्रल के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह चर्च होता है, चर्च से बड़ा जो है ना कैथीड्रल होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कैथीड्रल है, यहाँ पे जो स्कॉटलैंड की जो क्वीन थी ना, उनको मारा गया था यहाँ पे इस कैथीड्रल में। यहाँ पे भी देखें काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। वो ऊपर जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, जहाँ पे काफ़ी सारी कब्रें नज़र आ रही हैं, ये जो वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यहाँ के जो लोग मर गए थे, ये उनकी कब्रें हैं सारी जो ऊपर बनी हुई हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर, काफ़ी सारे लोग ऊपर भी जा रहे हैं वहाँ पे। अभी एंट्रेंस तो बंद हुई हुई है, जो लोग अंदर गए हुए थे ऑलरेडी वो अभी एग्जिट पर आ रहे हैं। तो ये देखें अंदर का एक थोड़ा सा मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये है कैथीड्रल इनका सामने, देख रहे हैं कलरफुल ग्लास, बड़ा पुराना हिस्टोरिकल भाई। अभी हम आ गए हैं फॉल्कर्क व्हील पे, सही है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना, जगहें हैं ना, वो मैं बड़ा खुद भी शौक से देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। तो इस व्हील की बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग सीन है कि एक बोट जाती है, इसके बाद फिर एक व्हील उस बोट को उठा के ऊपर ले जाता है, फिर वो ऊपर जाके फ्लोट करती है, इस तरीके का सीन है, ठीक है। अब हम बिल्कुल वहाँ पर पहुँच गए हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं पूरा सीन। अगर रश ना हुआ ज़्यादा, क्यों ना हुई ज़्यादा, तो फिर हम उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अंदर चलते हैं। ये अब देखें मैप यहाँ पे जो बना हुआ है ना, वो दिखा रहा है, एक नीचे ये कैनाल है, ठीक है, इसके बाद फिर ये एक व्हील बनाया हुआ है इन्होंने जो नीचे की बोट को ऊपर वाले कैनाल के साथ जोड़ता है, और ये पहाड़ के ऊपर कैनाल बना हुआ है, ठीक है। तो बोट इस तरीके से ऊपर जाके फिर जो है ना तैरती है। ये देखें ये एक्सचेंज करता है बोट्स को, ये वाली बोट है, ठीक है, ये बोट जो है वो नीचे वाले इसके ऊपर पोर्शन के ऊपर जाएगी, इसके बाद फिर वो ऊपर जाएगी, और जो ऊपर वाले कैनाल के ऊपर है बोट, वो यहाँ से नीचे आएगी। ये पूरा सर्कल है, और ये नेट जियो के ऊपर जो मेगा स्ट्रक्चर्स जो प्रोग्राम आता है ना, उसके अंदर भी ये दिखाया जा चुका है। तो एक बड़ा जो है ना स्ट्रक्चर है, बड़ी साइंस है यार इसके पीछे। ये देखें ये अभी जो है ना टर्न कर रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये देखें अब वो ऊपर से जो पोर्शन नीचे आया ना, ये पूरा हिस्सा अब ये देखें इसके ऊपर वो बोट थी जो ऊपर से ऑलरेडी ऊपर वाले कनाल से ट्रिप करके आई है। अब ये बोट यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से बाहर जाएगी, इसके बाद ये जो बोट है और इसके ऊपर जो क्यू है, ये फिर यहाँ पे लोड होगी, और इसके बाद ये ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर जाके फिर ये पूरा ट्रिप करके फिर नीचे आएगी। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा इसका। अब देखें ये आ गई, नीचे पहुँच गई, ये ज़बरदस्त बनाया इन्होंने, मतलब ये जगह मुझे बड़ी पसंद आई है। और ये देखिए ऊपर के कैनाल को और नीचे के कैनाल को मिलाने के लिए इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, ये अमेजिंग है भाई। एक सीन हो गया, हम जब अंदर गए ना, हाई वाली जा रही है ना, हम लोग जब अंदर गए ना तो पता चला कि अभी तो क्यू बहुत ज़्यादा है, अभी ये एक बोट जाएगी, इसके बाद दूसरी वाली तकरीबन 1.25 घंटे के बाद है, तो उसके अंदर हमारा दिन का जो पूरा स्केड्यूल है ना, वो पूरा आउट हो जाएगा, तो हम ये पूरी एक्टिविटी आपको करके नहीं दिखा सकेंगे। अच्छा, इसका जो टिकट है वो बता देता हूँ, बहुत रीज़नेबल, ओनली 13 pounds का जो है वो इसका टिकट है। और ये देखें पीछे पूरी क्यू आप देख रहे हैं, रश बहुत लगा हुआ है क्योंकि अभी सनी डे है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहे थे हमारे नबीद भाई कि ये आप समझ लेंगे पूरे साल के अंदर 1% जो वेदर होता है ना, जो सनी होता है, वो अभी इत्तेफाक से आपको मिला, या तो आप कराची की गर्मी यहाँ पे ले आए हैं, लेकिन ये है कि बोला कि पूरा साल हमारे पास जो है वो स्कॉटलैंड में बारिश वाला मौसम होता है, तो हमें जो है अच्छा हुआ बारिश नहीं मिली, जिसकी वजह से हम घूम रहे हैं। तो इस वजह से जो है यही शायद रीज़न है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और जिसकी वजह से क्यू बहुत बड़ी है, हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सके। तो हम मिस भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं आपको लेके, ताकि हम और जगहें, मैक्सिमम जगहें आज के दिन में कवर करके आपको दिखा सकें।
अच्छा, उसके अलावा देखें यहाँ पे बच्चों के लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। बच्चे सामने ये देखें स्विमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स भी हैं, इसके अंदर छोटे बच्चों की भी एक्टिविटीज़ हैं, फिर वो ट्रैम्पोलिन और वो जंपिंग कैसल और साइकिलिंग की एक्टिविटी अलग चल रही है, फिर रोविंग की भी इसके पीछे चल रही है एक्टिविटी। तो मतलब जो है ना काफ़ी अच्छा बड़ा पार्क बनाया हुआ है। ये देखें इस तरफ भी जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये फॉलकर्ट व्हील? उम्मीद है अच्छा लगा होगा और बड़ी एक नई चीज़ देखी होगी। इसका वेट आप लोगों को बताऊं कितना है, 1200 टन इसका वेट है। और अब हम बस निकल गए हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आप चेक करें बाइकर्स का ग्रुप, कितनी वजनी बाइकें हैं भाई। यहाँ पे बाइकर्स की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। ये तो ये नजर आ रहे हैं पीछे, बाकी और जो गुजर गए वो आगे वो आ रहे हैं। ये देखें वाह भाई, ये थ्री व्हीलर, एक और थ्री व्हीलर। अब खत्म हो गई क्यों सारी, कितनी वजनी है चेक करें। अब हम लोग पहुंच गए हैं एडिनबरा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है ना आपको एडिनबरा कासल दिखाना है, ठीक है, और यहाँ के देखें आप घर वगैरह सारी चीजें। ये जो है ना स्कॉटलैंड का कैपिटल है, ठीक है। ग्लासगो जो है सबसे बड़ा सिटी है, लेकिन ये है कैपिटल एडिनबरा और बड़ी खूबसूरत जगह है। तो अब हम बस कैसल की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कैसल दिखाएंगे भाई। ये हम आ गए हैं एडिनबरा कैसल पे, और ये जो कैसल है ना, समटाइम्स मैं कैसल से बोर भी हो जाता हूँ, सही है, लेकिन ये जो कैसल है ना ये कुछ अमेजिंग चीज़ लग रही है, और इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, ये जो कैसल है ना ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, सबसे बड़ी तो एक इसकी बात ये है। फिर इसके बाद ये ओल्डेस्ट कैसल्स के अंदर है जो यूरोप के अंदर है, और इसके बाद फिर ये जो रॉयल फैमिलीज हैं उनका घर भी रहा है, इसके बाद फिर मिलिट्री के अंडर में भी रहा है, तो इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। अब यहाँ पे देखें एक फेस्टिवल भी चल रहा है, ये देखें यहाँ पे देखें काफ़ी सारे लोग आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। कोई फ्लावर्स का या कुछ इस तरह का सीन है। यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, सारा सीन है, और अच्छी खासी आवाम जो है ना बिल्कुल सामने नज़र आ रही होगी आपको यहाँ पे फुल। और सामने जो गार्डन बना हुआ है ये चढ़ाई के ऊपर, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये कैसल बड़ा डिफरेंट है। अब जो है ना हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो रही है, सही है, वॉक जो कि बहुत ज़रूरी है। ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो कैसल जिस जगह पे बना हुआ है ना, ये पहाड़ तो है लेकिन साथ में ये किसी ज़माने में वॉल्केनो हुआ करता था, फिर वो ख़त्म हो गया था, तो इसकी जगह पे फिर जो है वो इन्होंने ये कैसल बनाया था। ऐसी ऊँची जगह के ऊपर, प्रोमिनेंट जगह के ऊपर बनाने का मकसद कैसल का यही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा और जो है ना यहाँ से काफ़ी सारी जगहों के ऊपर नज़र भी रखी जा सकती है। थोड़ा तो ऊपर चढ़ के आ गए भाई, अभी और भी ऊपर चढ़ना है। एडिनबरा कैसल देखने के लिए कितने लोग आए हुए हैं ये आप लोग बसेस से जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अट्रैक्शन है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है भाई। सीढ़ियाँ तो चढ़ के आ गए हैं ऊपर, और ये पूरी स्ट्रीट है यहाँ की, और कितनी क्राउडेड स्ट्रीट है ये आप देखें। यहाँ पे काफ़ी इस तरह की पेंटिंग वर्क और म्यूज़िक और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब यहाँ पे लोगों के इंगेजमेंट के लिए। भाई ये सीन है एडिनबरा का कैसल का, लेकिन सीन कुछ इस तरह का हो गया है कि भाई हमें आज टिकट्स नहीं मिली, आज टिकट्स की रिजर्वेशन ऑलरेडी फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लेट हो गए आप ये कह सकते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए, जिसका रीज़न मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा देखें, राइट साइड पर जो स्टैचू बना हुआ है ना गेट के साथ, वो इनके किसी किंग का स्टैचू है, और लेफ़्ट साइड पर जो बना हुआ है ना ये विलियम वॉलेस का स्टैचू बना हुआ है, जो इनका बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था और जिसने स्कॉटलैंड को एज अ कंट्री समझ लें आप हाईलाइट किया और लोगों के अंदर मतलब लोगों को बेदार किया, ठीक है। और ऊपर एक ब्लू कलर का जो है ना एक कुछ लिखा हुआ है, ये देखें ये जो लिखा हुआ है ना ये इनकी लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि जो तुम हमारे साथ करोगे हम वो तुम्हारे साथ करेंगे, और ये स्कॉटिश स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर पुरानी, तो ये इसका सिलसिला है। अंदर नहीं जा सकते क्योंकि टिकट्स पहले से लेने की होती थी और वो हमें आइडिया नहीं था इस चीज़ का। भाई यहाँ के टिकट काउंटर पे तो टिकट्स नहीं थी, ऑनलाइन भी कोई स्टेटस नहीं है ना, और माइंड कोई मसला नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह बहुत जगह है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब ये जो एरिया है ना ये एरिया ऐसा ऊपर नीचे बना हुआ है, देखें कैसल की तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल ऊपर है,
फिर यहाँ पे देखें पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, फिर ये गली नीचे की तरफ उतर रही है, वो गली देखें बिल्कुल नीचे की तरफ उतर रही है, ये भी नीचे की तरफ उतर रही है, और ये सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स। तो मतलब एक बहुत खूबसूरत मंजर जो है ना लग रहा है इस तरह कि इतनी पुरानी पुरानी कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इस तरह के जो है ना ऊपर नीचे रास्ते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ना कि वो जो अक्सर कार्टून्स में हमने देखा था, ये देखें इस तरह का एक विच टाइप का जो है ना ड्रेस और ये झाड़ू वाला सीन, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जिसने हैरी पॉटर लिखी थी ना, वो भी उसका भी ताल्लुक मतलब यहीं से एडिनबरा से था, तो ये इसी से रिलेटेड कुछ स्टोरी टेलिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे। अब जो है ना हम आपको एक और स्कॉटलैंड की जो है ना मशहूर जगह पे आपको लेके आए हैं, ये देखें ये सामने जो पूरा जो है ना आपको लोहे का जो ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये इसका नाम है फोर्थ ब्रिज, ठीक है। ये पहले जब कंस्ट्रक्शन हुई थी 1882 में, तकरीबन 140 साल हो गए इसको, और ये ट्रेन ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है। पहले लंदन से अबरडीन जाने के लिए तकरीबन जो है ना 13.5 घंटे लगते थे, ठीक है 13.5 घंटे, लेकिन जब ये ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो गई इसके बाद तकरीबन ये सफ़र जो है ना 8.5 घंटे के ऊपर कम वो हो गया, मतलब कम हो गया। और लेकिन इस ब्रिज की एक और बात ये है कि इस ब्रिज को बनाने में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो गई थी, मतलब काम करते हुए काफ़ी सारे लोग मर गए थे, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं आगे किसी जगह के ऊपर, वो हम देखेंगे अगर मिल गई तो आपको बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ा हिस्टोरिकल ब्रिज है और एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने के लिए जो है ना ट्रेन इसके ऊपर से चलती है, और वाकई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा। ये आप देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले जो है ना ट्रेन भी गुजर रही थी इसके ऊपर से। ये देखें ये यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, जितने जो लेबर थे ना इसके अंदर, ये देखें नाम के आगे लिखा हुआ लेबर, जितने लेबर जो है ना इसको काम करते हुए जो है ना इसके अंदर जिन्होंने जान से हाथ धो दिया था। ये देखें अब कोई कारपेंटर था इसके अंदर, कोई प्लेटर था, ये सारे लोगों के नाम इन्होंने एक मेमोरेबल बना के यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस ब्रिज के पीछे जो है वो इतनी कुर्बानियाँ इनकी। ये देखें भाई ट्रेन जा रही है फोर्थ रेल ब्रिज के ऊपर से, ये कमें जो है ना कैप्चर करने के लिए मिल गया। हाँ भाई कैसे हैं आप लोग, मज़ा आया आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को, बहुत सारी जगहें घुमाई है मैंने आपको सीरियसली। अभी धूप इतनी अच्छी है यहाँ पे, एक तो ठंड भी और धूप भी ऐसी लगती है यहाँ पे कि स्किन के ऊपर फील होती है। अब मैं आ गया हूँ किल्पीज़ में, ठीक है। मेरे बैक साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे स्कल्पचर बने हुए घोड़ों के, ठीक है, बहुत बड़ी साइज़ के बने हुए हैं, और सेम वही यहाँ पर भी बने हुए देखें छोटी साइज़ के, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा आपको जो है ना बैकग्राउंड बता दूं कि इनका जो ये वैसे यूनिकॉर्न नहीं बना हुआ, लेकिन जो स्कॉटलैंड का जो एक वो आप कह लेंगे सिंबल है यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न ऐसा जानवर है, मतलब ऐसा घोड़े की एक वो नस्ल टाइप आप कह सकते हैं, जो एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन इनका निशान ये इनका सिंबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर दो जो है ना आप कह सकते हैं कि दो सिग्नल्स हैं, एक तो ये कि बड़ा खूबसूरत है, सही है, बड़ा प्यारा है, लेकिन दूसरा यह है कि दूसरी तरफ वो स्ट्रांग होने का भी जो है वो साइन देता है, मस्कुलर स्ट्रांग होने का भी साइन देता है, तो ये बेसिकली इनका सिंबल है, ठीक है। तो अब जो है वो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें नीचे लोग नज़र आ रहे हैं आपको, कितने छोटे छोटे से जो हैं, इतने बड़े बड़े जो है ना ये दो स्कल्पचर्स बने हुए हैं इसके हॉर्स के, और ये एक अच्छा खासा बड़ा पार्क है, लोग आए हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हमको काफ़ी सारे। तो ये किल्पीज़ नाम से एक जगह है, तो मेरे ख्याल से तो भाई आज हमने पूरा जो है ना ग्लासगो और एडिनबरा छान दिया, एक दिन के अंदर हमने पूरा एक्सप्लोर करा दिया, एंड थैंक्स टू नवीद भाई, इन्होंने क्योंकि यहाँ पे रहते हैं तो इन्होंने हमें जो है ना बहुत अच्छे से सारी जगहें कवर करवाई हैं, और यकीन करें एक दिन के अंदर आप लोगों ने घर बैठे बैठे सारी चीज़ें देख ली, एडिनबरा की भी और ग्लासगो की भी। तो मैंने भी आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, स्पेशली मैं तो सबको बोलूँगा भाईजान कभी भी यहाँ पे आएँ तो स्कॉटलैंड तो आपने जो है ना लाजमी आना है, क्योंकि एडिनबरा के अंदर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी ओफ अमेजिंग, मतलब मैंने अभी तक यूके के अंदर इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल और इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर कहीं नहीं देखी थी जितनी आज मैंने एडिनबरा में देखी है, तो बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस। अब बहुत भूख लग रही है यार, कुछ खाना पीना करते हैं। भाई हम लोग पूरा दिन आप लोगों को घुमा फिरा के जो है ना अब आए हैं घर पे, और ऐसी हालत हो रही है कि मैं क्या बताऊं आपको, भूख तो टाइट लग रही है, लेकिन ये है कि अभी हल्की फुल्की कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह जो है वो कुछ करते हैं, और इसके बाद थोड़ी देर जो है अभी मैंने सबसे पहले आने के बाद जो है ना वजू किया,
नमाज पढ़ी, ऐसा सुकून मिला लेटने से, और अब मैं थोड़ी देर जो है ना हल्का सा लेटता हूँ। इसके बाद खाने का सीन, आज इतनी भूख लगी हुई है, कुछ लेवल की चीजें खाने में, सही है। तो हम इंशाल्लाह किसी के घर पे जाएंगे, खाने की दावत है, और इंशाल्लाह वहां पे खाने के ऊपर आपको लेके चलते हैं और आपके साथ खाना खाएंगे, ठीक है। तो जरा थोड़ी देर आराम करने के बाद इसके बाद फिर मिलते हैं, जाना नहीं आप लोगों ने कहीं, सही है ना। ओके चले भाई, थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो गए हैं, सही है, और अब जो है ना देसी खाने का। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, पाकिस्तान की याद आ रही है तो जो है ना अब चलते हैं भाई खाने का सीन इंशाल्लाह, ठीक है। हम आ गए हैं जहां हमारी जो है ना आज दावत थी, आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखें बिरयानी रेडी है, और ये मसाला चिकन रेडी है, अरवी गोश रेडी है, और ये आलू की भुजिया रेडी है, ये सैलड है, और ये रोटियां हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद हमें जो है ना घर की बनी हुई रोटियां जो है वो आज खाने को मिली है, हम बहुत लगी है, और हम बाहर आराम से जो है ना गार्डन में बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें भाई, यहाँ हम खाना खाएंगे। इस तरह लोगों ने जो है ना बैकयार्ड जो है वो अपना अच्छे से जो है ना सजाया हुआ होता है, डिफरेंट यहाँ पे देखें प्लांट्स लगाए हुए इन्होंने, ठीक है ना। और ये इनकी बाउंड्री है, फिर ये नेबर का एरिया है, तो जो जितना चाहे उतनी अच्छी यहाँ पे गार्डनिंग करके जो है ना अच्छे से अपने बैकयार्ड को डेकोरेट कर सकते हैं। ये सीन है, तो हम बड़े नेचुरल एनवायरनमेंट में यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें भाई घर की रोटी, घर की याद आ गई है, और ये मसाले वाली चिकन का सालन है, ये देखें भाई क्या बात है, घर का खाना, सही है। बिस्मिल्लाह, काफ़ी दिन बाद ऐसा लग रहा है घर पे आ गए वापस, बहुत ज़बरदस्त है, भूख भी बड़ी टाइट है। लैम बिरयानी भी जो है ना ज़रा आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, और इसके बाद खाएंगे सुकून से खाना, सही है। ये देखें भाई, ये लैम बिरयानी है, ये बोटी निकाली, और ये बनाया निवाला, बिरयानी भी बहुत आला है, हमारे मतलब की है, और अब हम जो है वो, और ये यहाँ की स्कॉटिश जो है ना ड्रिंक है, आयरन ब्रू, सही है। तो ये बिरयानी के साथ जो है वो मैंडेटरी है, ये भी आपको साथ ही ट्राई करवाते हैं। खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। ये देखें भाई, अब जो है ना मीठे का है, डिसर्ट का टाइम है, ठीक है। ये एक आप पुडिंग कह सकते हैं, ये गुलाब जामुन है, और ये स्ट्रॉबेरीज हैं, स्कॉटिश स्ट्रॉबेरीज हमारे लिए, और ये है स्कॉटलैंड की जो है ना आइसक्रीम, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो लाजमी सी बात है हम इंग्रेडिएंट्स उसके पहले चेक करते हैं, इसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो खा रहे होते हैं। तो ये भी मैंने कॉमेंट में पढ़ा था, तो मैंने बोला आप लोगों को बता देता हूँ। अब जो है वो मीठा खाते हैं भाई। तो भाई फाइनली आज के दिन को हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। खाना खाने के लिए हम गए थे, और जिनके घर पे हम गए थे उनके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, एक बिल्कुल फैमिली वाली वाइब्स आ रही थी, काफ़ी देर हम बैठे हैं, बिल्कुल घर वाला टच आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, हमने बहुत इंजॉय किया सारा टाइम, और अब जो है वो आज के दिन को होपफुली आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। कल मिलेंगे नई एपिसोड के अंदर, कुछ जगहें यहाँ की रहती हैं वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग वापस चले जाएंगे नॉटिंघम, और इसके बाद फिर हमने लंदन जाना है, और इसके बाद फिर बहुत सारा सीन बाकी है, अभी सरप्राइज रहने देते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग साथ ही हैं, कहीं जा नहीं रहे ना आप लोग ना मैं, तो सब यहीं पे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं भाई कल की एपिसोड के अंदर। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम।